हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास फोर्थ के बच्चे सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे। और जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए देव दीनबंधु सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है आपको। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको डे 7 में 23 तक क्वेश्चन कम्प्लीट करा चुका हूँ, आज 24 क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, जिसमें है डिवाइड। क्या है? डिवाइड करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 173 डिवाइड 3, तो 3 का डिवाइड देना है 173 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड देने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड आपने थर्ड में किए होंगे, 3 का 1 में नहीं जा रहा है तो 2 डिजिट लेंगे, 11 हो गई, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 9 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा, 7 यहाँ पे उतार देंगे अगली डिजिट। 3 का फिर डिवाइड देंगे, 9 टाइम जाएगा, आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 39। ठीक है बच्चों, उसके बाद डी वाले पे ध्यान देंगे हम। 2 का डिवाइड देना है, 246 में पहले 1 डिजिट में डिवाइड देते हैं हम, और जब 1 में नहीं जाता तब दूसरी डिजिट लेते हैं। ठीक है, 2 बन जा, 2 रिमाइंडर नहीं बचा है यहाँ पे, तो अगले डिजिट उतार लेंगे यहाँ पे। 2 का फिर 4 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम जाएगा, आफ्टर दैट यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा आपका, और उसके बाद अगले डिजिट उतार लेंगे। 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आपको नीचे क्या लिखना है, 246 डिवाइडेड 2 इक्वल 123, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके 24 में आपके 9 क्वेश्चन है कंप्लीट करने हैं। 25 वाला और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ये कह रहा है कि इफ रुपी 4689 वर कलेक्टेड फ्रॉम 9 स्टूडेंट, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों से 4689 रुपए कलेक्ट किए गए, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना रुपया दिया, तो आपको क्या करना है, इसमें 9 का डिवाइड देना है आपको 4689 में। ठीक है, और डिवाइड देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 9 स्टूडेंटों पर, यानी कि पर स्टूडेंट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट जो भी आंसर आएगा इसका इतने रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और जितने भी ये डिवाइड है आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लें, और 25 तक नोटबुक में कंप्लीट हो जाए, और वो नोटबुक स्कूल तक पहुंचा दें ताकि हम उसको चेक कर सके। धन्यवाद।